हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बायोटिक के बायो सैंडलवुड सनस्क्रीन का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये कुछ हमें प्लास्टिक पैकेजिंग में मिलता है, ये कुछ इस तरीके की हमें आउटर पैकेजिंग मिल जाती है। ये बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो सैंडलवुड 50 SPF UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा स्मूदिंग लोशन है फॉर ऑल स्किन टाइप, वाटर वेरी वाटर रेजिस्टेंस, SPF 50+ एंड 100% आयुर्वेदिक। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि जो इसका MRP है वो 350 रुपीज़ का है। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज अ सनस्क्रीन, बट दूसरी सनस्क्रीन से तो अफोर्डेबल ही है। मैंने काफ़ी सारी सनस्क्रीन यूज़ करी हैं, जस्ट लाइक लोटस हर्बल्स, न्यूट्रीजीना, एंड आपने पतंजलि की भी यूज़ करी होगी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो वेराइटीज़ आती हैं सनस्क्रीन की, वो भी है वन ऑफ देम। ये है, बहुत ही अच्छी है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इतना यूज़ कर लिया है, देन स्टिल अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई है। बहुत ही इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं कि जब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं सो दैट टाइम आपको थोड़ा सा ऑयली लगेगा, बट लेटर ऑन ये ड्राई हो जाता है एंड ये काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक स्टे करता है। आपकी स्किन, आपके फेस को की स्किन को ड्राई नहीं करेगा। अच्छी सनस्क्रीन है और जो इसका जो फ्रेगरेंस है वो सैंडलवुड का है। मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। इस पैकेजिंग में आता है। सो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है क्योंकि आपकी ग्लास बॉटल नहीं है, सो ये इसको ब्रेक होने का भी कोई चांस नहीं है। सो बहुत ही अच्छा रहता है और स्पेशियल, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है और इजीली आप अपने कैरी बैग्स, हैंड बैग्स पर भी इसे कैरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सनस्क्रीन जो है कुछ इस तरीके से रहता है, जो नॉर्मल बायोटिक के प्रोडक्ट्स का रहता है कुछ इस तरीके से। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि सनस्क्रीन जो है, सनस्क्रीन का कलर क्या है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्रीम एंड कलर की जो है हमें सनस्क्रीन मिलती है, जिस लाइक सैंडलवुड का जो कलर होता है जस्ट वैसे ही कलर है एंड काफ़ी अच्छा रहता है। जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो भी बिल्कुल सैंडलवुड की है, मुझे अच्छी लगी इसकी फ्रेग्रेंस। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छी फ्रेग्रेंस है। सो मैं आपको इसके अपने स्किन पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखती है ये, आप अपने फेस पर लगाएंगे क्योंकि आप बिना सनस्क्रीन अप्लाई करें आपको कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपको टैनिंग हो सकती है एंड सन रेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहती हैं। सो आपको हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करके ही निकलना चाहिए। बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका फिनिश आता है। अभी आपको लग रहा होगा हल्का सा ऑयली बिकॉज ये ड्राई नहीं हुआ है, लेटर ऑन ये ड्राई हो जाएगा तो सिर्फ मॉइस्चराइज आपकी स्किन को हमें शाम तक रखेगा, लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, बट तुरंत ही ये ड्राई नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका फिनिश दिखता है। सो बहुत ही अच्छा है एंड 350 रुपीज़ में भी अच्छी आपको सनस्क्रीन मिल जाती है। सो आप जब आपको ये ऑफ़र में आए तो आप उसे ज़रूर मंगवाएं। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेकआउट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।